सर्वप्रथम जय माता अंजनी के लाल श्री राम भक्त बालाजी सरकार के पावन चरणों में अपनी ओर से बारंबार नमन करते हुए गुरु भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए विराजमान हमारे सभी भक्त भाई बंधु देवी स्वरूपा माताएं बहने सभी का आशीर्वाद लेते हुए लक्ष्मण महाराज को प्रणाम करते हुए परशुराम भगवान को प्रणाम करते हुए आदेश गुरु भगवान का आदेश हुआ है, आदेश का पालन करते हुए आइए अपनी अर्जी उनके चरणों में लगा रहा हूं। त्रुटियों के लिए नादान हूं, जो भी गलतियां हों क्षमा करेंगे। हेलो हेलो सबसे पहला निवेदन, गुरुवर मोहिनाभिसारियो गुरुवर मोहिनाभिसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए मौसम तुमको बहुत है पे तुम सम मोको ना। पूरी रात लड़ाई छिड़ी रही, इधर से परशुराम जी की समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, उधर से लक्ष्मण जी परेशान थे क्या करें। आइए एक से एक सुंदर धुने आप लोगों ने सुनी है, बहुत पुरानी एक धुन लेकर के आ रहा हूं गुरु भगवान के चरणों में। हेलो हेलो, निवेदन करूंगा रमेश भैया से थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दें। बहुत पहले गीत आया था कौन सा, अरे इंतजार के एक एक पल का बदला लूंगा, इंतजार के एक एक पल का बदला लूंगा। ये न समझना आज भी ऐसे जाने दूंगा, जितना सताया पहले उसका
हिसाब दो अखियों में अखियां डाल के जवाब दो समझ गया मैं तेरा बहाना समझ गया मैं तेरा बहाना वही पुराना कि देर से आना और ये कहना वादा तो निभाया ओ मेरे राजा। जब ये फिल्म में गीत आया तो जवाब नहीं मिला के खफा न होना खफा न होना देर से आई दूर से आई अरे मजबूरी थी फिर भी मैंने वादा तो निभाया ओ मेरे हालांकि हमारे कार्यक्रम की पूरी वीडियो बना रहे हैं भैया जी और इसके पहले इस गीत को शायद आप रिकॉर्ड कर चुके हैं, लखनऊ के पास कार्यक्रम था उधर आपने इस गीत को इसका वीडियो बनाया था, लेकिन आज हमारा आपका सभी का सौभाग्य है कि गुरु भगवान की शरण में हाजिरी लगाने का अवसर मिला है। निवेदन करूंगा गुरुदेव, अरे देखा ना दुनिया में दूजा दान वली सा के देखा ना दुनिया में दूजा दान वली सा है सर्वस्व समर्पित वो सम्मान वली सा। क्यों राजा वली जिनकी गाथा को सुन के तृप्त हो गई आत्मा। एक नाम आता है राजा वली, जिनकी गाथा को सुन के तृप्त हो गई आत्मा। क्यों क्योंकि बन गए हैं जिनके पहरेदार वो परमात्मा पहरेदार भगवान राजा बलि के क्यों बन गए, क्योंकि कारण के चरण का चेहरा एक एक शब्द को सुनेगा चरण का चेहरा ये मन मेरा चरण का चेहरा ये मन मेरा ये तन मेरा और लगा जहां में तेरा मेरा बस तेरा मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा तेरा हे चरण का चेहरा ये मन मेरा ये तन मेरा और लगा जहां में तेरा मेरा। लेकिन उधर भाव है राजा बलि के तेरा जो है तेरा मेरा भी है तेरा बस यही एक कारण। अरे तेरा जो है तेरा और मेरा Yeah!
जो तेरा है वो तेरा है, जो मेरा है वो भी तेरा है। आइए दूसरा कथानक ला रहा हूं। ओ ये चलते हैं कहां के जीता रण, जीता रण सोने की लंका राम ने पाई। भगवान श्री राम ने रावण को मार दिया। अरे जीता रण सोने की लंका राम ने पाई, पाई वो लंका पाई, पर लंका से ना चाहे एक पाई। पाई पर लंका से ना चाहे एक पाई भगवान श्री राम। क्यों? क्योंकि अरे रघुकुल की रीत प्रभु राम ने निभाई है। क्या बात, क्या बात। और वो रीति कौन सी है? बड़े बड़े विद्वान पधारे हैं, गुरु भगवान पधारे। रघुकुल पर बचन न जाईना। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बस भगवान ने वही किया। राम जी ने रीत रघुकुल की निभाई है। और रीत कैसी? भाई गया रावण, भाई गया तो हकदार बना भाई है। भाई गया तो हकदार बना भाई है। क्यों? ये रण था मेरा, भगवान जानते हैं, ये रण था मेरा, क्षण था मेरा, ये रण था मेरा, क्षण था मेरा। और जब लंका को जीत लिया, ये रण था मेरा, क्षण था मेरा, कण कण था मेरा, मगर साथ में ये प्रण था मेरा। क्योंकि पहले ही तिलक कर दिया था विभीषण का, मगर साथ में ये प्रण था मेरा, इसलिए मेरा वो है मेरा और तेरा वो है तेरा। बहुत बड़ा आशीर्वाद परम पूज गुरु भगवान के श्री चरणों का, ये प्रसाद ये आशीर्वाद। जय हो। क्या बात, ढोलक में भी ताली बजाता। ये 501 मुद्राएं गुरुदेव की कृपा हुई है। हालांकि दादा ने कहा, बड़े भैया ने भी कहा, लेकिन मुझे ये बताइए कि इस दरबार से खाली कौन जाता है? जो भी आता है वो पाकर ही जाता है। बस हम बच्चे तो ये चाहते हैं कि सदा गुरु भगवान का आशीर्वाद बना रहे, सदा हम बच्चों पर दया दृष्टि बनाए रखें, बस इतनी ही कृपा चाहिए। प्रणाम कर रहा हूं। और हमारे बुंदेलखंड कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष महोदय, हमारे छोटे भाई श्री देवेंद्र तिवारी जी उर्फ पप्पू भैया, आपकी ओर से ये 501 मुद्राओं का आशीर्वाद है।
प्रणाम कर रहा हूं भैया को। और ये पंडित श्री राम कुमार भैया उर्फ राम रतन सुल्लेरे जी कृष्ण मंडल, बहुत पहले हमने साथ में गाया है, हमारे सुल्लेरे जी विराजमान है, कृष्ण संकीर्तन मंडल गंज गर्रौली, लेखक व गायक हैं हमारे भैया। आप लिख रहे हैं बड़ा आनंद आया आपको सुन करके, क्योंकि बहुत दिनों के बाद, ये बिल्कुल सत्य है, आपके भी दर्शन हो गए। बस ये कृपा है बागेश्वर सरकार की कि यहां सबको मिला रहे। बोलिए बागेश्वर सरकार की, बोलिए गुरु भगवान की। ये रण था मेरा, क्षण था मेरा, कण कण था मेरा, मगर साथ में ये प्रण था मेरा, इसलिए तेरा जो है तेरा और मेरा वो है पूज्यवर गुरुदेव। पहली लाइन आ रही है कि तेरा सो तेरा और मेरा भी तेरा। इधर दूसरी लाइन आ रही है कि तेरा सो तेरा मेरा सो मेरा। जीवन धन से दुर्योधन को प्यारा धन है, से दुर्योधन को प्यारा धन है, लेकिन दूसरा पक्ष पांडव के धर्म और ईमान धरा पे सारा धन है। भाई की बात, बड़े भैया आदरणीय दादाजी, भाई की बात एक भाई को ना भाई है, आखिर है तो भाई। भाई की बात कोई भाई को ना भाई है, भाई सी प्रीत नहीं भाई ने निभाई। दुर्योधन ने क्या किया के छल से घेरा, छल से घेरा, बल से घेरा, छल से घेरा, बल से घेरा, दल से घेरा, लेकिन कहते हैं अंत बुरा होता है। बल से घेरा पर माया मोह ने खल को घेरा। तो इधर भाव क्या है कि मेरा जो है मेरा और तेरा भी है कि मेरा और तेरा भी है। वाह, एक और आशीर्वाद परम पूजनीय परशुराम, वही हो गया ना।
वो श्रीमती जी वाला मामला था, तो हमारे जिनसे हमेशा प्यार मिला है, आशीर्वाद मिला है, हमारे आदरणीय दादाजी की ओर से ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। 201 मुद्राएं और साथ में ये पुष्पमाल, दादाजी का आशीर्वाद आया है, प्रणाम कर रहा हूं, आशीर्वाद की कामना हूं। अरे मेरा जो है मेरा और तेरा भी है मेरा, अंतिम पंक्तियां सुने आप। हर क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर जाना, इस संसार में जो आया है वो जाएगा, तो क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर जाना, और जब लेकर नहीं जाना है तो कहने को कर जाना, कर जाना, कर जाना, हर कहने को कर जाना, कर जाना, कर जाना, क्योंकि इस संसार में अरे मतलब का लेना, मतलब का ही देना, मतलब का लेना, मतलब का ही देना है, इसीलिए अरे विमल विनोदी चले यही लेना देना, लेना देना है, यही लेना देना है, विमल विनोदी चले यही लेना देना है। कहते हैं कि समय मनुष्य बली नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन ओइवान, इसलिए समय का फेरा, अरे समय का फेरा, समय ने फेरा, समय का फेरा, समय ने फेरा, जाए ना ये समय का फेरा, समय ने फेरा, जो जाए ना फेरा वापस नहीं होगा, जाए ना फेरा, अरे दो दिन का ये रैन बसेरा, दो दिन का ये रैन बसेरा, इसलिए अरे तेरा है ना तेरा, मेरा है ना वे, ये हमारे बड़े भैया बहुत दिनों के बाद आज एक मंच पर, बाबा बालाजी सरकार की कृपा है, हमारे बड़े भाई और ये सत्य मानिए बागेश्वर धाम में भैया बैठे हैं, हमें भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक समय वो था कि शायद जितने मेरे और दीक्षित जी के कार्यक्रम हुए हैं किसी मंडलों के नहीं हुए, लेकिन जैसा अभी दीक्षित जी ने कहा था कि कुछ दिनों पहले, दो तीन महीने पहले लग रहा था कि कीर्तन को बिल्कुल बंद कर दिया जाए, संन्यास ले लिया जाए, लेकिन आज बागेश्वर धाम में आकर के लग रहा है कि अभी बहुत गाना है।
आशीर्वाद मिला है। बड़े भैया दीक्षित जी को प्रणाम कर रहा हूं, आशीर्वाद चाहता हूं उनका। हमारे बहुत ही अच्छे रचनाकार जिनके लेखनी पूरी रात आपने सुने हैं, हमारे बड़े भाई सम्मानित श्री जलज जी, मैं उनका नाम नहीं लेता हूं, जलज के नाम से जिन्हें जाना जाता है, प्रणाम कर रहा हूं। भैया का आशीर्वाद आया है और बहुत ही अच्छे उभरते हुए कलाकार हमारे छतरपुर से पधारे, भैया रमेश भैया सुगम जी, गुरुवर पूजनीय दादा श्री माता दीन विश्वकर्मा जी, रमेश भैया की ओर से 101 मुद्राएं प्रदान हुई हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा बालाजी सरकार कृपा करें, दिनों दिन इस कीर्तन जगत में वो तरक्की करें, बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे दो दिन का ये रैन बसेरा तो तेरा है ना तेरा और मेरा